वेलकम टू स्टार टेक्नोलॉजीज़। आज हम देखते हैं कि हम OTDR में पावर मीटर को कैसे यूज़ करते हैं। तो ये फाइबर शॉर्ट का प्रो सीरीज़ का OTDR है, जिसमें आपको OPM का एक मॉड्यूल एक्स्ट्रा मिलता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि आपका राइट साइड कॉर्नर का सेक्शन है वो पावर मीटर के लिए डेडिकेटेड है। इसकी जो पावर रेंज है -62 +5 है। ये अलग अलग मॉड्यूल के साथ आती है, -52 +10 +26 भी आती है इसके साथ। अब हम देखते हैं कि OPM का हम यूज़ कैसे करते हैं। तो हमें सिंपली इस OPM को ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको बहुत सारी वेव लेंथ भी मिल जाती हैं, मतलब आप 9 वेव लेंथ पर कम्प्लीटली इसे ट्रेस कर सकते हो। तो अभी के लिए हम इसमें 1310 की पावर को सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि हमें 1310 का एक लेजर सोर्स ले रखा है यहाँ पर हमने, जो कि -7 dB पावर को आउट कर रहा है। इससे हमने एक फॉल्टी पैच कोड को कनेक्ट कर रखा है जिसमें लॉसेस हैं। हम देखते हैं कि ये कितनी पावर को इस पर शो करता है और लॉस कितने आते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है -8.26, और ये शूट कर रहा है -7। दैट मीन्स 1.26 dB का लॉस इन विद दिस पैच कोड आ रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हो 1310 वेवलेंथ है, और यहाँ पर जो वेवलेंथ है वो 1310 है। एच सेम अगर हम इसकी वेवलेंथ को चेंज करके 1550 करते हैं, और इधर भी हम वेवलेंथ को चेंज कर कर 1550 करते हैं, तो 1550 वेवलेंथ पर अगर मैं देखना हूँ तो यहाँ पर हम -7 पावर को शूट कर रहे हैं, और आपको जो पावर रिसीव हो रही है -8.15 रिसीव हो रही है। दैट मीन्स आपका 1550 पर जो लॉस आएगा 1.15 का आएगा। सो इस तरीके से हम पावर मीटर का यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली पावर मीटर आपको इसलिए दिया होता है ताकि आप लाइन में पावर को भी चेक कर सकें कि किस लाइन में पावर आ रही है और कौन सी लाइन डेड लाइन है। तो ये ऑप्टिकल पावर मीटर का इस तरीके से हम लाइन पर यूज़ करते हैं। थैंक यू।